मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारियों को धोखा दिया है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जहां सभी राज्य सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में लगी हुई थी, वहीं नीतीश कुमार के द्वारा लगातार बिहार के प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में ही रहने के लिए कहा जाता था। उनके इस कार्य से क्षुब्ध होकर हमने जदयू पार्टी छोड़ दिया है। उक्त बातें चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम नेशन टीवी न्यूज के पत्रकार रामाकांत मिश्रा से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादे अभी तक धरातल पर नहीं उतर सके हैं। लोग उनके वादे को धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जिस सुशासन की बात कहकर वह लगातार सत्ता में बने रहे, वह पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। चारों तरफ अपराध व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वैसी ही स्थिति में मैं जदयू पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जदयू पार्टी को छोड़कर रालोसपा पार्टी को अपना लिया है। मैं हमेशा चेनारी के लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। आज रालोसपा में आ जाने के बाद मैं और मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। कारण कि रालोसपा का एक ही उद्देश्य है, गरीबों के घर में खुशियों का रोशनी जलाना। इसी के लिए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार किया जा रहा है और उनके कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए मैंने उनके कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का निर्णय लिया है।